आज का जो मेरे मैसेज का टॉपिक है उसका नाम है मेंटरशिप। कितने लोगों को इस वर्ड का मतलब पता है? मेंटरशिप। ओके, काफी कम लोगों को पता है। मेंटरशिप एक ऐसी चीज होती है, मेंटर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा जन होता है जो आपको गाइड करता है आपकी लाइफ में, जो आपके सुख दुख में, जो आपके ऊंच नीच में, उतार और चढ़ाव में आपके साथ रहता है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे कलीसिया में और जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम लोगों को इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा मेंटर कौन है, या फिर हमारे पास मेंटर है भी कि नहीं। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि लोग मेंटर को इतनी अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें उसके बारे में ज्ञान नहीं है। कुछ दो तीन, मेरे ख्याल से दो तीन संडे पहले या एक महीने पहले, हम जब मैंने लास्ट प्रीच किया था उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात करी थी कि हम लोगों के बीच में कोई सात जन हैं जो परमेश्वर की खिदमत करना चाहते हैं। और फिर मैंने सात ऐसे लीडर्स को बुलाया था जो उनके पीछे खड़े होंगे, जो वो उनके मेंटर होंगे। पर बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने मेंटरशिप के लिए उनको बुलाया तो, बट उन्हें पता नहीं है मेंटरशिप होती क्या है, और ना उन लोगों को पता है कि मेंटरशिप का फ़ायदा उठाते कैसे। इसलिए आज मैं दो लोगों से बात करूँगा। बोलिए दो लोग। आप अपने आप को किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं, चाहे आप मेंटर होना चाहते हैं या फिर आप मेंटर करना चाहते हैं। ये दो कैटेगरीज हैं, इफ़ यू वांट टू बी मेंटर्ड और यू वांट टू बी अ मेंटर। आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब मैं एक एग्जांपल दूंगा बाइबल से। आप निकाल सकते हैं पहला राजा 19 अध्याय उसकी 19वीं आयत में। मैं जब आपको एग्जांपल दूंगा एली और एलिशा का, तब आपको पता चलेगा कि मेंटरशिप क्या होती है। पहला राजा 19 अध्याय, फर्स्ट किंग्स 19th चैप्टर एंड 19th वर्स, 19 और उसकी 19वीं आयत। यहाँ पे ये वो हिस्सा है जब एली ने एलिशा को बुलाया था या फिर उसको अपने पीछे होने के लिए ऑफर किया था, क्योंकि एली के पास परमेश्वर का कलाम आया और उसने कहा कि एलिशा को तुझे अनॉइंट करना है, तेरे बाद वो नबी रहेगा, वो प्रॉफिट रहेगा। यस, समझ आ रहा है? कितने लोग एली और एलिशा को जानते हैं? अच्छा, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। एलाइजा या फिर एली एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था परमेश्वर का, जिसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर के द्वारा करे थे। जब बाल देवताओं को पूजा जा रहा था तो उसने आग बरसवाई थी, और वो वेदी पर जो आग आई थी वो एली ने करवाया था। एली ने वो, हम लोगों ने सूखी हड्डी वाला सुना है, शायद एलिशा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, एलिशा था, एली था, एलिशा था, वो उसका मेंटर एली, जिसने सूखी हड्डी को जान मांस भर गया था, उसका मेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, वो एली है। लोग गाना सुनते हैं ना, ड्राई बोन्स हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, ड्राई बोन्स सूखी हड्डी, है ना, ऐसे गाने बनते हैं। ये इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, दो लोग। तो 19 वर्स में यहाँ पे लिखा है, सो ही डिपार्टेड फ्रॉम देयर एंड फाउंड एलिशा द सन ऑफ शफात हु वॉज प्लोइंग विद 12 योक ऑफ ऑक्सन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही वॉज विद द 12th. Elijah passed by him and cast his cloak
अपॉन हिम एंड ही लेफ्ट द ऑक्सन एंड रैन आफ्टर एलाइजा. तो यहाँ पे हिंदी में अगर इसे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है तब वे वहाँ से चल दिया और शपात का पुत्र एलिशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था. उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी. आप मान लो आप काम कर रहे हो, सोचो आप जॉब पे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई चादर वादर है नहीं है. आप जॉब पे हो, कोई आपके साइड में आए और आपके ऊपर ऐसे एक चादर डाल दे, कैसा लगेगा आपको? क्या कर रहे हो भाई, पागल पागल हो क्या, है ना? एलिशा इतना बुद्धिमान था कि उसको पता चल गया सिर्फ चादर डालने से कि मुझ पर क्या होने, मेरे पे क्या फजल है, मेरे ऊपर क्या ग्रेस है. उसके आगे लिखा है तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा. एलिया के पीछे दौड़ा, उसने चादर डाली थी बस और कुछ कहा भी नहीं, उसके पीछे दौड़ने लगा, अपने अपना काम धंधा छोड़कर. किसी और उसकी याद आ रही है, किसी और इंस्टेंस की? जब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, वो अपना काम धंधा छोड़कर उसके पीछे हो लिए. वैसे ही यहाँ पे एलिया ने उसके ऊपर, उसको ये भी नहीं कहा कि मेरे पीछे चल, उसके ऊपर अपना चादर को डाला और वो एलिया के पीछे भागा. और उसने दौड़ कर कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा. उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है. एलिया कह रहा है, मैंने तुझसे क्या किया, मतलब मैंने तुझसे कुछ बोला कि मेरे पीछे हो जा, मेरे पीछे चल, या कुछ फालतू मेरे पीछे एकदम से आ रहा है तू, है? मैंने तुझसे कुछ कहा? मैंने सिर्फ अपनी चादर तुझ पे डाली. फिर भी एलिशा ने क्या किया, तब वह उसके पीछे से लौट गया, एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया, बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया. तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला. एलिया ने बुलाया नहीं उसे, एलिया ने उसे नहीं बुलाया. उसने बोला, मैं अपने माता पिता को भाई बोलकर आता हूँ. उसने कहा, मैं तुझे बुलाया कोई, मैंने तुझसे कुछ कहा? वो बोला, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ. वो गया, उसने अपना सारा बैलों का सामान वान जला कर, बैल को कुर्बान करके, खाना खिलाकर, सब कुछ कमर बांध कर उसके पीछे चलने लगा. ये होती है एक, जो व्यक्ति जिसको मेंटर चाहिए, उसकी पहचान कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे चलने लगता है. उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा काम है, धंधा है, उसको किसी के, अगर कुछ किसी से कुछ चाहिए तो वो सब कुछ छोड़ देगा और वो उसके पीछे चलने लगेगा. और उसकी सेवा टहल करने लगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. एलिशा उसकी सेवा टहल करने लगा. और आपको पता है, मैं अभी पूरी कहानी आपको समझाऊंगा नहीं कि एलिशा और एलिया ने क्या क्या करा साथ में, पर एलिशा, जब एलिया ने उससे पूछा कि मैं इससे पहले चला जाऊं, तुमसे दूर हो जाऊं, या फिर आज के शब्दों में कि अगर इससे पहले कि मेरी डेथ हो जाए या मैं मर जाऊं, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तब एलिशा ने उससे क्या मांगा पता? क्या मांगा? डबल पोर्शन, दुगना मसा, जो भी तेरे पास है मुझे उससे दुगना अभिषेक चाहिए, उससे दुगनी अनॉइंटिंग चाहिए. वो कुछ भी मांग सकता था, आपके पास जितनी संपत्ति है वो मुझे दे दो, आप क्या करोगे,
या फिर जो राजा लोगों से आपका कांटेक्ट है वो मेरा कांटेक्ट करा दो उन लोग के साथ, है ना। आजकल लोग कांटेक्ट पे बहुत फूलते हैं, हम उसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं। उसने कहा मुझे आपका दुगना अभिषेक चाहिए। अपने साथ वाले को देख के बोलिए दुगना अभिषेक। यस, मतलब आज अभी आपको ये चीज़ को समझ नहीं आ रहा, बट मैं आपको बता एक्सप्लेन करता हूँ। आप मान लो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के पास जाओ और अमिताभ बच्चन आपसे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, हैं? और आप उसको बोलो कि आपने जो भी काम किया है उसका मैं डबल करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, अभी समझ आ रहा है आपको जब मैंने आज के टर्म्स में बताया है। आप मान लो बिल गेट्स के पास जाओ, बिल गेट्स वही है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने कंप्यूटर विंडोज बनाया है। बिल गेट्स के पास जाओ, वो बोले तुम्हें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग क्या मांगेंगे, पैसा, UPI, पैसे कर दो बस ट्रांसफ़र, वही चाहिए। पर आज अगर बोला जाए उसको कि आपने जो भी किया अपनी लाइफ में उसका डबल मैं करना चाहता हूँ, अगर आप ये दे सकते हो तो मुझे दे दो। सोचो आपने बिल गेट्स से ज़्यादा करके दिखाया, या फिर एप्पल के इंजीनियर से पूछो, स्टीवन नाम था उसका, स्टीव जॉब्स से अगर पूछो कि आपने जो भी करा उसका डबल मैं करना चाहता हूँ, एप्पल से बड़ी डबल बड़ी कंपनी आपकी हो, पर उसके लिए पता क्या होना ज़रूरी है, मेंटर होना ज़रूरी है। मेंटर नहीं है तो आपको उससे क्या, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा किसी से। आज हमारी दिक्कत यह है कि जो मेंटर चाहते ही नहीं है उनको आशीष क्या मिलेगी। हम इंसान हैं और हमें अपने ऊपर अथॉरिटी अच्छी नहीं लगती कि हमारे ऊपर कोई हो, कि हमसे कोई सवाल जवाब कर सके, ये हमारे एटीट्यूड में नहीं है। और जो जो हमारे ऊपर होते हैं जैसे माँ बाप, हम उनको क्या करते हैं, क्यों मेरे से बात करती रहती हो, क्यों क्यों मेरे को बोलती रहती हो, क्यों आप मेरे को बार बार डांटते रहते हो, ये है वो है। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई हो, हमारे से ऊपर अथॉरिटी किसी की हो, ये प्रॉब्लम है। और एक व्यक्ति अच्छा डिसाइपल नहीं बन सकता जब तक कि उसको अथॉरिटी को ऑनर करना ना आता हो। अ पर्सन कैन नॉट बी अ डिसाइपल इफ ही कैन नॉट ऑनर अथॉरिटी, इफ ही कैन नॉट ऑनर अ मेंटर अबव हिम। जो अपने ऊपर किसी को रखना, अच्छा जॉब पे जाते हैं तो एकदम से बॉस बन जाता है, क्यों, क्योंकि वो पैसा दे रहा है हमें, उसको ऑनर करने लगते हैं, उसको एकदम से ऑनर करने लगते हैं, हाँ सर 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 आप जो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर जब यहाँ पर आपके लाइफ की बात आ रही है कि आपको डबल पोर्शन मिलने वाला है, कि आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, अभिषेक मिलने वाला है किसी से, तब हम किसी को अपने ऊपर नहीं रख सकते, तब हम किसी को अपने ऊपर एक दाई रखते कि हाँ ये मेरा मेंटर है, ये मेरे ऊपर अथॉरिटी रखता है, ये जो मुझे बोलेगा मैं मानूंगा, जो ये जो कहेगा वो मैं करूंगा। कितने लोग के पास मेंटर है, अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, कितने लोगों के पास मेंटर है ऑलरेडी, अच्छे से करो हाथ, ऐसा ऐसा लग रहा है कि मेंटर ने सिखाया नहीं ढंग से, अच्छे से हाथ ऊपर करो, ऐसे आप आसपास देख सकते हो कितने लोगों का हाथ खड़ा है, देख लो। बीस % चर्च के लोगों के पास मेंटर है, 20%,
मतलब कि बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर कोई है नहीं, उनकी लाइफ में अपुनिज भगवान है, ठीक है, उनके पास कोई हेड नहीं है, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको कोई करेक्ट नहीं कर सकता। ये क्या कर रहे हो तुम, गलत है ये। अपने पैसों की वेस्टेज मत करो, कपड़े ढंग से पहना करो। बाइबल पढ़ी आज, प्रेयर करी आज? मैंने उस जगह जाने को मना करा था, गए क्यों उधर? कोई बोलने वाला नहीं है किसी के लिए। आपके पास मेंटर नहीं है तो आप एक जंगली जानवर के तरह हैं। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको बता नहीं सकता, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, और अगर कहेगा तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि जंगली जानवर क्या करता है, केज खुलते ही भागता है जोर से, दिखने का नहीं। फिर मेंटर होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपके पास ऑप्शन भी है ना कि आपके पास मेंटर है, तो यह भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आपको पता है दुगना अभिषेक किसको मिलता है? मेरे साथ खोले निर्गमन 21 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। व्यवस्था विवरण, मेरे को हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ड्यूटोरोनमी 21 चैप्टर 17th वर्स, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पे व्यवस्था दी गई थी और वहाँ पर मूसा ने बताया था कि अपने बच्चों पे संपत्ति कैसे बांटते हैं, है ना, विल होती ना विल, अपने बच्चों को संपत्ति कैसे बांटी जाए आपके मरने के बाद। ये मूसा आपको बता रहा है 21 और उसकी 17वीं आयत में। पहलौठा बेटा होना चाहता हूँ, क्योंकि एलिया बाइबल में अभी कोई मेंशन नहीं है कि उसकी शादी हुई थी या बच्चे थे, तो क्योंकि वो वैसे ही भ्रमण करता रहता था पूरे इसराइल में, तो उसका कोई संतान नहीं था। एलिशा ने उसको जाकर कहा कि मुझे अपना स्पिरिचुअल सन बना लो। और जब आप किसी के स्पिरिचुअल सन हो जाते हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल सन होके नहीं, बट अगर आप पहलौटे हैं तो आपको दुगना अभिषेक मिलता है। और वही चीज उसने मांगी। कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ उसने डबल पोर्शन मांग लिया। नहीं, उसने बेटे होने का हक मांगा एलिया से। मुझे लगा आप लोग एक्साइटेड होंगे कि आप बेटे होने का हक मिल रहा है यहाँ पे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर हमें क्या दिया है? संतान होने का अधिकार। अब जो विल होती है उसमें हमारा नाम लिखा जाएगा। वसीयत कहते हैं ना, वसीयत में हमारा नाम लिखा जाएगा। हमको अडॉप्ट करा गया है। अलीशा ने अपने ऊपर, उसको ऑलरेडी उसने अपने माँ बाप को बाय बोला हुआ था, पर उसने बोला कि मेरे माँ बाप मेरे बायोलॉजिकल माँ बाप हैं, मुझे फिर भी एक स्पिरिचुअल फादर चाहिए जो मेरे आत्मिक पिता होगा, और वो उसका पहलौटा है। कितने लोग डबल पोर्शन चाहते हैं? कितने लोगों को दुगना भाग चाहिए? तो अपने पिता को ढूंढो। दुगना भाव होने के लिए पिता होना जरूरी है। बिन पिता के आपको वसीहत कहां से मिलेगी? आपको अभिषेक कहां से मिलेगा? आपको मसा कहां से मिलेगा जब आपके पास सोर्स ही नहीं है? When you don't have a source, how can you expect double portion? हमें आशीषें चाहिए, डबल डबल चाहिए आशीषें। सिर्फ आशीष नहीं चाहिए, डबल आशीष चाहिए, पर अपने ऊपर अथॉरिटी नहीं चाहिए। दोनों काम नहीं हो पाएगा। अथॉरिटी के अंदर रहना पड़ेगा,
उसके अंदर ग्रो करना पड़ेगा, उनकी सारी बात को मानना पड़ेगा, तब अंत में जाकर आपको डबल पोर्शन मिलेगा। हालेलुया। एक और मेंटरशिप के लिए एक और एग्जांपल दूंगा जो हम खोलेंगे, निर्गमन और उसकी 33 चैप्टर, 33वां चैप्टर, 33 और 11। Thus the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend. मूसा से परमेश्वर बात करने आता था जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से बात करने आता है। दोस्त भी नहीं लिखा, भाई लिखा है। और यहोवा मूसा के इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, वो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, वाओ जवानों सुन रहे हो, यूथ सुन रहे हो, यहोशू एक जवान जो नून के पुत्र मूसा का सेवक था। जवान लोग सेवक कहाँ बनना चाहते हैं? वो तो स्टार्टअप करना चाहते हैं ना, हम बॉस बनेंगे, हम अपना कंपनी खोलेंगे, हम हैं जो हैं। पर यहाँ पे लिखा है कि यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वहाँ तंबू में से ना निकलता था। मूसा बात करके, सोच लो एक टेंट है, उसके अंदर मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है, खुदा से, एक भाई के तरह। और वहां पर पीछे यहोशू उसकी सेवा टहल के लिए ऐसे बैठा हुआ है कि इन लोग की बात हो रही है, इन लोग की बात हो रही है। मूसा बात करके चला जाता था, यहोशू वहीं बैठा रहता था कि यहां पर पूरी दुनिया का मालिक, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो इतना पवित्र है, यहाँ पर मेरे मालिक से, मेरे अगुए से बात कर रहे थे, तो वो तंबू में से बाहर नहीं जाता था। जो लोग अपने मेंटर से कुछ चाहते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम उसके साथ बिताएंगे, और जब वो चला जाए मैक्सिमम टाइम उसकी अनॉइंटिंग के साथ बिताएंगे। हेलो, समझ आ रहा है? परमेश्वर अगर किसी जगह से चला भी जाता है ना, उसकी अनॉइंटिंग पीछे रह जाती है, वो जगह पवित्र हो जाती है, वो जगह अभिषिक्त हो जाती है, वहां से जाने का मन नहीं करता। इसलिए चर्च के पास देखते हैं ना आप लोग, एक घंटा दो घंटा बैठे रहते लोग, बातें कर रहे हैं, समोसे आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, लाइट ऑफ करके करके भगाना पड़ता है, चले जाओ भैया घर जाके अपने। जाने का मन नहीं करता है, क्यों? परमेश्वर का अनॉइंटिंग जिस जगह पे होता है वहां से जाने का मन नहीं करता है। पर वहीं पे मैं आज अभी यहाँ पे जवानों की बात लिखी है, तो मैं कहूँ जवान पहली फुर्सत जैसी मिले उसी समय ऐसे गायब होते, लोप होते हैं, वो लोग जाते नहीं कहीं से, वो ऐसे लेविटेट होके भाग जाते हैं कहीं, ऐसे दिखते ही नहीं है, वैनिश हो जाते हैं, है ना? जवानों को यहोशू से सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। यहोशू जितने कितने यहोशू बैठे हैं यहाँ पे? बैठे नहीं, मानते ही नहीं हो, बिलीव ही नहीं है। कितने लोग जोशुआ जैसे बनना चाहते हैं? जवान कहाँ गए? जवान फिर से पढ़ेंगे हम लोग 11वीं आयत का लास्ट पार्ट। यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से निकलना नहीं चाहता था।
ये दिखाता है जिज्ञासा, ये दिखाता है मेंटरशिप की पहचान कि कौन सच में अपने अगुए से, अपने लीडर से, अपने स्पिरिचुअल फादर से कुछ चाहता है। यस, तो वो उस जगह को छोड़ता नहीं था। और आपको पता है यहोशू ने कितने बड़े बड़े काम करे, सारे इज़राइल में जितने लोगों का कब्जा था सब जगहों को उसने लड़ाई करके, अपना युद्ध कर करके सब जीत लिया वापस। एक भी ऐसी लड़ाई नहीं थी जो वो जीता नहीं। यहोशू ऐसा व्यक्ति था। कितने लोग चाहते हैं ऐसी कोई भी लड़ाई ना हो जो हम जीते ना। अपने लिए एक मूसा ढूंढो, अपने लिए एक एलिया ढूंढो। मेंटर, मैं इससे पहले कि अब नेक्स्ट पार्ट में जाऊं, जो मेंटर होता है उसका औधा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर, आपके माँ बाप से भी ऊपर, आपके भाई बहन से भी ऊपर। परमेश्वर के बाद अगर किसी का औधा है तो वो आपके स्पिरिचुअल फादर या मेंटर का है। उसकी हाँ तो उसकी हाँ, उसकी ना तो ना। तो अपना मेंटर सोच समझ के चूज करना, क्योंकि जब चूज कर लिया फिर ये नहीं कि ये वाला हमें पसंद नहीं आ रहा, चेंज करेंगे थोड़ा। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब नहीं है इधर, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। मेंटर एक रहता है लाइफ टाइम के लिए, सुख में दुख में, अच्छा नहीं लग रहा जो वो कह रहे हैं तब भी मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेंटर की, ये कौन अगुवा होता है, अगुवा कौन होता है, कितने लोग अगुवा बनना चाहते हैं, मेंटर बनना चाहते हैं। वो लोग तो हाथ ना उठाएं जिनके पास मेंटर नहीं है। पहले आप मेंटर ढूंढो, उसके बाद बात करेंगे। कितने लोग मेंटर बनना चाहते हैं खुद से? यस, अ मेंटर इज अ पर्सन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड शोज द वे हाउ टू डू इट। ठीक है, हु नोज द वे, जिसको पता है कि रास्ता क्या है। सिर्फ पता होना काफी नहीं है कि हाँ हमें पता है रास्ता क्या है, बट उस रास्ते से जाता भी है कि हाँ सही रास्ता ये है और मैं इस पे चलूंगा। और फिर वो दिखाता भी है कि कैसे रास्ते पे चला जाता है। जो रास्ता जानता है, जो रास्ते पर चलता है और रास्ता पे चलना सिखाता है। यस, समझ आया? तुम्हीं से बात कर रहा हूं मैं, देख रहा हूं मैं। ठीक है, हम खोलेंगे एक्लिसियास्टिस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सपोपदेशक। एक्लिसियास्टिस, उसका 4, उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ दे कोई जोर से। चार और उसकी 9 और 10वीं आयत। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। यदि कोई उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, जिसका कोई उठाने वाला ना हो। कितने लोग जानते हैं कि हम अपने लाइफ में गिरते हैं? सबको पता है, सब अपनी लाइफ को जानते हैं। आपके पास एक मेंटर होगा तो आपके पास कुछ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको उठा सकेगा।
जो आपको गाइड कर सकेगा, जो आपको बता सकेगा कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, इट्स ओके, खड़े हो जाओ और उस रास्ते पर वापस चलो जहां पे मैंने तुम्हें चलना सिखाया है। पर हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, जिसका कोई उठाने वाला ना हो। इसलिए आज दुनिया में लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, दवाइयां खा रहे हैं, एडिक्शंस में हैं और इन सब चीज़ों में अपने मेंटर को ढूंढ रहे हैं। कोई उन्हें बताने के लिए नहीं है कि बेटा ये एक चीज़ गलत है जो तुम कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा कोई लाभ नहीं होगा, पर वो अकेले होकर गिर रहे हैं जिनका उठाने वाला नहीं है, जिनको कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए एक से दो भले हैं। इसलिए जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया था कि मेरे पास मेंटर नहीं है, मेरे पास कोई गाइड नहीं है, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे सही रास्ता दिखा सके, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकती है, अपने लिए एक मेंटर को ढूंढो, अपने लिए एक ऐसे अगुए को ढूंढो जो आपको सही रास्ते पे गाइड कर सके। बाइबल में ये भी लिखा है कि एक अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ऐसा भी व्यक्ति मत ढूंढ लेना जो आप ही की तरह अंधा हो। हम तो अंधे हैं ही, हमने भी एक अंधा दोस्त ले लिया साथ में, भाई तू मेरा मेंटर है, तू जो बोलेगा वही होएगा। और आगे लिखा है अंधे वाली वर्स में कि अंधा अंधे को लेकर गड्ढे में गिरते हैं दोनों। यस, वहां से उठाना भी मुश्किल है। इसलिए मेंटर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक मैच्योरिटी लेवल पे हो, जिसको एक सही रास्ता पता हो, जो जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको जिससे आपका दिल मेल खा सके। जिसको आप बेझिझक किसी के भी सामने बोल सको कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मेरा मेंटर है, उसके वो मुझे बोलेगा तो हाँ, वो मुझे ना कहेगा तो ना। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, मैं दो तीन आपको वर्सेस मेंटरशिप पे बता रहा हूं। इब्रानियों 13 उसकी 17वीं आयत, इब्रानियों 13 और उसकी 17वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? Hebrews 13:17 अपने अगुओं की आज्ञा मानो जी और उनके अधीन रहो। वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वो ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इंग्लिश में लिखा है ओबे योर लीडर्स एंड सबमिट टू देम फॉर दे आर कीपिंग वॉच ओवर योर सोल्स एज दोज हु विल हैव टू गिव एन अकाउंट, लेट देम डू दिस विद जॉय एंड नॉट विद ग्रोनिंग फॉर दैट वुड बी ऑफ नो एडवांटेज टू यू। अगर आप मेंटर बनना चाहते हैं तो आनंद से करें ये काम। अबे यार क्या इसकी बकबक सुननी पड़ती है, ऐसे करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। और लिखा है कि इसका लेखा देना पड़ेगा। एक बहुत, आप ना ही सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप एक और व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि उसकी गलती भी अगर होगी तो आपको लेखा देना पड़ेगा कि आपने उसको समझाया क्यों नहीं। वो होता है ना, अगर कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने गलती करी तो नुकसान किसको होता है? ओनर को, है ना। हमारे पास कैफे है, कैफे में अगर हम लोग 2-3 दिन में चेक ना करें कि सामान आया कि नहीं आया, एकदम से बोलते हैं
तीन दिन के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद बोलते हैं कैफे में तो सामान नहीं है। तो हमारा एक दिन सामान खरीदने में लग जाता है, उस दिन का पूरा हमारा लॉस जाता है, कोई सेल ही नहीं हो पाई। तो लॉस किसको हुआ? उसकी गलती का, हमें। वैसे ही आप मान लो अगर आप मेंटर बन रहे हो, तो अगर आपका आपका जिसको आप मेंटर कर रहे हो, आप जो आपका मेंटी है उसने कोई गलती करी, तो ये जिम्मा आपका है। तो सोच समझ कर अगर कोई आपको मेंटर बना रहा है, तो सोच समझ कर ये जिम्मेदारी लेना कि परमेश्वर आपसे इसकी लेखा लेगा। यस, नेक्स्ट वर्स, नीति वचन 11 उसकी 14वीं आयत, नीति वचन 11 और उसकी 14th वर्स, वहां पे क्या लिखा है? नीति वचन 11, प्रोवर्ब्स 11 एंड 14th वर्स। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। परंतु सम्मति देने वालों के बहुतायत के कारण बचाव होता है। आपको मैं एक कुछ चीज़ बताता हूँ, हमारे बाइबल जब आप पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग से लेकर आपको पहला राजा, दूसरा राजा, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल में पता चलेगा कि कई राजा ऐसे आए जो बहुत ही बेवकूफ़ थे। क्यों? क्योंकि वो अपने सम्मति देने वालों की बात को मानते थे, क्योंकि उनके सम्मति देने वाले भी बेवकूफ़ थे। वही है कि अंधा अंधा, दोनों अंधे। और कई राजा सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनके सम्मति देने वाले, उनके जो क्या कहते हैं उसे, मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा, वाइज मैन जो होते हैं राजा के, जो उनको प्लानिंग बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बताते हैं कि लड़ाई में कैसे जीता जाए, क्या करा जाए। वैसे ही आपके लाइफ में ऐसे वाइज मैन होने चाहिए जो आपको गड्ढे में ना गिरने दें। क्योंकि इस वर्ष में लिखा है सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। कितने लोग बचना चाहते हैं? बचना चाहते हैं ना? सम्मति देने वाले के बहुतायत होनी चाहिए आपके पास, ना ही सिर्फ मेंटर, मेंटर तो एक होता है, गाइड्स भी आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, स्पिरिचुअल लीडर्स जो आपको गाइड कर सकें। यस, नेक्स्ट वर्स निकालेंगे, यूहन्ना 13 उसकी 13वीं आयत, यूहन्ना 13 और उसकी 13वीं आयत। कितने लोगों को आज का मैसेज समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा वो इधर आ जाए, उनके लिए एक स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैठकर मैं अलग से, एक वो होती है ना रेमेडियल क्लास, वो दे सकता हूँ। ठीक है निखिल, आ रहा ना? ठीक है, ओके। 13 उसकी 13वीं आयत, यूहन्ना, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैं ना, मैंने प्रभु, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यहां पे मैं मेंटर्स के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप ना ही सिर्फ उनके ऊपर हो पर उनकी सेवा भी आपका काम है। यस, तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो और तुम ठीक कहते हो, पर मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पैर धोऊंगा। पता पैर धोने का मतलब क्या होता है? नम्र करना, दीन करना। इसका जो असली एक रीजन है वो है अपने अपने जो लोग जिनका पैर धो रहे हो उनके चाल चलन को ठीक करना।
उनके चाल चलन को धोना। जैसे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, प्रभु हूँ, मैं ठीक चलता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव को धो रहा हूँ कि तुम भी मेरी तरह चल सको। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर को धोया था कि वो उसके चाल चलन, जो उनके पाप थे, जो उनकी गंदगी थी, उसको धोकर उसने बोला अब तुम मेरी तरह चल सकोगे। हालेलुया। पैर धोने का एक रीज़न होता है। उस ज़माने में सब चप्पल पहनते थे, जूते का शायद इन्वेंशन हुआ था या नहीं था, या महंगे थे पता नहीं, पर हर एक घर में एंटर होने से पहले अपने पैर को धोया जाता था। इसलिए जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, वो यरूशलेम एंटर होते समय था। पाम संडे देखते ना हम लोग, पाम संडे के दिन जब यरूशलेम में यीशु मसीह एंटर कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने परमेश्वर के भवन में जाने से पहले, क्योंकि यीशु मसीह को पता है मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तब परमेश्वर का मंदिर का पर्दा फट जाएगा और वो प्रेजेंस हर जगह चली जाएगी। इससे पहले कि ये परमेश्वर के भवन में एंटर करें, मुझे इनके पांव धोने जरूरी। इनके जब पांव धुल जाएंगे तो इनका चाल चलन ठीक हो जाएगा। इनका चाल चलन ठीक होकर ये फिर उस रास्ते पे चलने लगेंगे जो मैंने ने दिखाया। इसलिए चेलों के पास एक मेंटर था। मैं तो ये कहता हूँ यीशु मसीह के पास 12 मेंटर थे, 12 चेले थे, 12 डिसाइपल्स थे। हम अगर ज़िंदगी में एक भी ढंग से कर लें मेंटर, ये भी बहुत 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 बड़ी बात है। वो तो यीशु मसीह हैं, वो संभाल सकते हैं, उनका चाल चलन पहले से ही ठीक है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। हम अगर अपनी लाइफ में एक को भी मेंटर कर ले ढंग से, वही बहुत बड़ी बात है। एलिया ने एलिशा को ट्रेन किया, मेंटर किया, डबल अपना डबल अभिषेक उसके ऊपर दिया। मूसा ने यहोशू को दिया, यीशु मसीह ने 12 चेलों को एक साथ दिया, 12 एक साथ। पता, मेंटरशिप ऐसी नहीं आती तुम मेरी बात सुनो, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक वर्स अगर हम खोलेंगे वहां पे लिखा है कि मैं तुमसे सेवकाई करने के लिए नहीं, बट खुद सेवक बन के आया हूं। यीशु ने कहा कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं। एक राजा स्वर्ग से उतरकर सेवा करने के लिए आया है हमारे लिए। वैसे ही एक मेंटर को होना चाहिए। आपका औहदा कोई भी हो, आपके पास कितना ही बैंक बैलेंस क्यों ना हो, आपके पास कितना ही घर में नौकर चाकर, आपके पास कितनी गाड़ियां हो, कुछ भी हो, आपके पास दुनिया भर की डिग्री हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने मेंटी को, जो जिसको आप मेंटर कर रहे हो, उसकी सेवा ना कर पाओ, तो यू आर नथिंग, फायदा ही नहीं है किसी चीज का। क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर हमारी सेवा करने के लिए आया, और हम एक व्यक्ति की सेवा नहीं कर पा रहे। मूसा की सेवा कौन करता था? यहोशू। और मूसा ने उसको क्या दिया? अभिषेक, मेरे बाद तू लोगों को लीड करेगा। जब आप अपना मेंटर चूज करें, तो ये देख के करें कि उसके पास परमेश्वर की नॉलेज है कि नहीं है, उसके पास अनॉइंटिंग है कि नहीं है, क्योंकि आपको डबल पोर्शन उसी का मिलेगा जो उसके पास है। अगर उसके पास कूड़ा है तो आपको डबल पोर्शन कूड़ा मिलेगा, दुगना कूड़ा। अगर उसके पास गुस्सा है तो आपको डबल पोर्शन गुस्सा मिलेगा। अगर उसके पास नफरत है तो आपको डबल पोर्शन नफरत मिलेगी। इसलिए अपना मेंटर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो परमेश्वर का ऐसा खादिम हो, ऐसा जन हो, जिसका जो भी आपको दुगना मिले, आपको लगे हाँ यार इसका दुगना पोर्शन मुझे चाहिए।
अगर वो सेवा करता है, हाँ मेरे को दुगना पोर्शन सेवा का चाहिए। वो वर्शिप लीड करता है, बहुत अच्छा, मुझे दुगना पोर्शन लीडिंग वर्शिप लीडिंग का चाहिए, अनॉइंटिंग का चाहिए, मुझे डबल पोर्शन। अगर वो भविष्यवाणी करता है तो डबल पोर्शन मेरे को भविष्यवाणी का चाहिए। मुझे अगर वो प्रार्थना करता है और लोग चंगे हो जाते हैं, उसको परमेश्वर ने हीलिंग का गिफ्ट दिया है, तो मुझे डबल पोर्शन हीलिंग का चाहिए। हालेलुया। और जब आप डबल पोर्शन के लिए एम कर रहे हो ना, तो ये याद रखिएगा कि सेवा करने भी बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपको कुछ दे रहा है तो हमारा भी देना ज़रूरी है। हालेलुया। एक और वर्स खोलेंगे, जेम्स, याकूब 3 अध्याय उसकी 1 आयत। जेम्स 3 अध्याय और उसकी 1 आयत, वहां पे इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। हाँ, कौन लोग प्रीचर बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते, प्रीच करना चाहते हैं, लीडर्स पास्टर्स, हमारे चर्च में मीटिंग होती है ना, सब प्रीचर बनना चाहते हैं ना। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इंग्लिश में लिखा है, नॉट मैनी ऑफ यू शुड बिकम टीचर्स, फॉर यू नो दैट वी हु टीच विल बी जज्ड विद ग्रेटर स्ट्रिक्टनेस। जब आप किसी को मेंटर कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा, जो भी आपने मेंटर किया है उसके लिए आपके ऊपर, अगर गलत मेंटर किया है तो आपके ऊपर दोषी ठहराए जाएंगे। यस। और जो लोग मेंटर हो रहे हैं, आपको भी परमेश्वर की गाइडेंस की ज़रूरत है। यस। कितने लोग जानते हैं कि होली स्पिरिट हमें गाइड करता है? कई लोग बोलते हैं कि हमें मेंटर की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तो परमेश्वर ने हमें अगुओं को सबमिट करने को क्यों कहा? एक और वर्स निकालेंगे, फिलिपियों 2:3, ये मेरी आखिरी वर्स होगी। फिलिपियों 2:3, वहां पे लिखा है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित में कि नहीं वरन दूसरों की हित में भी चिंता करे। यस। इंग्लिश में लिखा है, लेट डू नथिंग फ्रॉम राइवलरी और कंसीट, बट इन ह्यूमिलिटी काउंट अदर्स मोर सिग्निफिकेंट देन योरसेल्फ्स। लेट ईच ऑफ यू लुक नॉट to his own interests, but also to the interests of others. Mentors, जो आप मेंटर करने वाले हैं अपने लोगों को, अपने इच्छा के लिए, आपके लिए क्या फायदा रहेगा, आपसे क्या उससे ठीक रहेगा, उसके लिए उसको मेंटर मत करना, पर उसकी भलाई के लिए, उसके एडवांटेज के लिए उसको गाइड करिएगा। मेरे को अभी इस साल मेरे लिए प्रेयर हुई और बहुत ही मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, जब मेरे मेंटर ने मेरे लिए प्रेयर करी और उन्होंने मुझे कहा कि जितना भी मेरे पास अभिषेक है उसका दुगना अभिषेक इसे मिले। मतलब अलीशा ने
तो एलिया से मांगा था, ये मेरे दिल की इच्छा थी, बट मैंने कभी अपने मेंटर को कहा नहीं था कि मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना करो आप, कि मेरे लिए ऐसा प्रार्थना करिए कि मुझे आपका दुगना अभिषेक मिले। पर जब मेंटर के अंदर दिल से अपने ऑलमोस्ट बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए जब उसके दिल से दुआ निकलती है, तो परमेश्वर से वो यही दुआ करता है कि जो भी तूने मुझे दिया है उसका दुगना इसको मिले। ऐसे दिल के साथ अगर आप किसी को मेंटर करें तो मेंटर करिएगा कि आप उसके भलाई के लिए, आप उसकी एडवांटेज के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर सकें, बिना अपने सेल्फिश मोटिव्स के कि नहीं नहीं मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए, मेरे से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास परमेश्वर ने एक ऐसा मेंटर दिया जिसने मुझे मेरे, जब मैं बहुत उतार में था, जब मैं ठीक नहीं था, तब उसने मुझे गाइड किया और उसने मुझे संभाला, तब मुझे उसको उसने वापस खड़ा किया और मुझे उस रास्ते पे चलना सिखाया जिस पे वो खुद चल रहे हैं। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनके पास मेंटर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेंटर ना होना क्या होता है। जब आप अपनी खुद की मर्जी के अनुसार चलते हैं तब क्या होता है, और ना ही सिर्फ ऐसा मेंटर मिले आपको, बट इस तरीके का भी मेंटर मिले जो आपका आपकी भलाई चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वर्शिप टीम से कि वो बैकग्राउंड में आएँ, और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जिनके लिए मैंने उन 7 लोगों के लिए दुआ करी थी, वो सामने आए। और जो लोग आज चाहते हैं कि उनके पास एक मेंटर हो, जो चाहते हैं कि उनके पास भी एक ऐसा अगुआ हो जो उन्हें सही रास्ते पे लेके जा सके, वो अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलेगा। उन 7 लोगों के लिए मैं चाहता हूँ जो उस दिन आए थे सामने, वो 7 लोग फिर से सामने आए, और जो लोग उनके पीछे खड़े थे वो लीडर्स भी सामने आए, उन्हीं के पीछे आए जिनके पीछे आप खड़े थे, जो आपके, जो परमेश्वर ने आपको एज अ सेवा सौंपा है जिन लोगों को। और जो लोग अपने मेंटर्स को चाहते हैं, जो लोग अपने जिंदगी में एक अगुआ चाहते हैं जिनके लिए वो दुआ कर रहे हैं, या फिर जो लोग अगुआ बनना चाहते हैं, वो अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। मैं सभी के लिए दुआ करना चाहूंगा इस समय। जब आज हमने सीखा है, मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूं, जब हमने आज सीखा है कि व्हाट इज मेंटरशिप और मेंटर होना क्या होता है और बेटा होना क्या होता है, परमेश्वर ने अगर आपको ये सेवा सौंपी है तो इसको फेथफुली करना जरूरी है। आप इनको कॉल करेंगे, आप इनसे बात करेंगे कि हाँ तुम कैसे हो, तुम्हारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, तुम्हारे पास परमेश्वर ने अभी तुमसे बात क्या कर रहा है, परमेश्वर के जब तुमने बाइबल पढ़ी तो परमेश्वर ने तुमसे क्या बात करी, जब तुम दुआ करते हो तो परमेश्वर तुमसे क्या कहता है। और जो मेंटर हो रहे हैं वो भी कहें, वो भी अपने जिंदगी का जो भी चल रहा है कि आज मुझे ये फील हुआ कि परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है, आप भी फोन मिलाएं, आप भी उनके घर जाएं, उनसे मिलें। जब तक कि वो मेल मिलाप नहीं रहेगा तब तक आप एक नहीं हो पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर मैं उन सभी लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं
जिनके पास आज एक मेंटर नहीं है, जिनके पास आज एक सहायक नहीं है, पवित्र आत्मा आप इनके सहायक हो और इनको उन लोगों तक लीड करें जो आपका भय मानते हैं, जो आपकी राहों पर चलते हैं, जो एक अच्छे एग्जाम्पल हैं, कि वो इन्हें सही रास्ता दिखा पाएं। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ सभी लोगों के लिए जो आज अनमेंटर्ड हैं, जिनके पास कोई नहीं है, और मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, ये 7 जन जो आपने चूज करें अपनी खिदमत के लिए, मैं सभी मेंटर्स के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर कि वो सही रास्ते पे चल सकें और सिखा सकें कि सही रास्ते पे कैसे चलते। परमेश्वर, आपका अभिषेक इनके ऊपर हो, परमेश्वर आपका अनॉइंटिंग इनके ऊपर हो, परमेश्वर आपका वचन इनके ऊपर देहदारी हो, इनके ऊपर प्रकट हो, ये जब चले, ये जब बात करें, जब ये परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, तो परमेश्वर वो आपकी आवाज को सुन सकें, और इसी तरीके से अपने लोगों को भी गाइड कर सकें, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि तूने हमें एक सहायक दिया है और तूने हमें लोगों के साथ जोड़ा है। हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। अपने दिल पे हाथ रख के कहें और कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास एक पिता है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए खड़ा है, जब मैं गिरता हूं वो मुझे उठाता है। कितने लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है इस समय। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें और उसकी प्रेजेंस को महसूस करें, वो हमारे साथ है।